हेलो फ्रेंड्स, आप है द नॉलेज की एक्सप्लोर द यूनिवर्स सीरीज के दूसरे वीडियो पे। मैं हूँ हितेश गिरिगोसाई, आप है साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पे। और जनाब मुस्कुराइए, क्योंकि आप वीनस पे हैं। वीनस यानी शुक्र, यानी सोलर सिस्टम का सबसे तेजस्वी प्लेनेट। ये ग्रह हमारे सूरज से 10,80,00,000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ दो ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि मून्स नहीं है, और वो दोनों ही सूरज के सबसे करीब है, यानी कि मर्क्यूरी और वीनस। और सूरज का सबसे करीब होना ही इन दोनों पर सैटेलाइट न होने का कारण है। तो चलिए दोस्तों, अपनी सीट का बेल्ट, नाड़ा, जो भी बांधना है बांध लीजिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शुक्र की सफर पर। पृथ्वी से निकलकर शुक्र की ओर जाते ही वो तेजस्वी प्लैनेट आपके पास आता हुआ महसूस होगा। लेटेस्ट स्पेसक्राफ्ट में करीब 100 दिन में आप प्लैनेट वीनस तक पहुंच जाएंगे। अगर मान लो कि पृथ्वी पर आपका वेट 100 किलो है, तो ये वीनस पर करीब 91 किलो हो जाएगा। और वीनस पर पहुंचते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये प्लैनेट किसी नर्क से कम नहीं है। और वीनस के एनवायरनमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड तक ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई हाईटेक स्पेस सूट है, तो फ्रेंड्स, इस ग्रह पे उतरते ही आप पाओगे कि वहाँ का वातावरण कितना डेंसिव है। वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको अर्थ के सी लेवल के मुकाबले 90 times ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, और यहाँ का वातावरण आपको बहुत ही भयानक और खतरनाक दिखेगा। चारों तरफ आपको वोल्केनोज, लावा, ज्वालामुखी दिखेंगे। इसे तो दोस्तों आप वहां उतरते ही द प्लेनेट ऑफ वोल्केनो लेबल ही दे दोगे, क्योंकि यहां पर एंटायर सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट से ज्यादा वोल्केनोज है। दोस्तों, इस खतरनाक ग्रह के लाखों ज्वालामुखी ऐसे हैं जो शांत हो चुके हैं, लेकिन आज भी बड़े 1600 एक्टिव ज्वालामुखी यहां पे आपको दिखेंगे। तो कैसा लगा? मैंने बोला ना, मुस्कुराए जनाब, आप शुक्र पे है। तो चले आगे देखते हैं। दोस्तों, शुक्र का आसमान आपको हल्के पीले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की कई किलोमीटर मोटी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती है, और इसी कारण शुक्र का वातावरण बहुत ही घना है, और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सूरज की किरणें जितनी आती है उतनी आसानी से रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पाती, और इसीलिए दिन में शुक्र की सतह 465 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से तपती रहती है। और फ्रेंड्स, वीनस का टेम्परेचर दिन हो या रात हो हमेशा एक जैसा ही रहता है, और जिस वजह से शुक्र के वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों, वीनस के आसमान में अगर आप सन को ढूंढोगे तो वो मिलेगा ही नहीं। क्या बोला बे? मिलेगा ही नहीं। क्या पकड़ा है? अरे भाई, सच कह रहा हूँ, शुक्र की सरफेस से सूरज क्लियरली नहीं दिखता है। हाँ, दिन में प्रकाश जरूर दिखता है, आसमान में आप अपार रोशनी भी देख सकते हो, एक तरफ से लाइट भी आते हुए आप देख सकते हो, पर वीनस का वायुमंडल इतना घना है कि उसकी सरफेस से आप सन को नहीं देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत बड़े बवंडर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर 350 से करीब 750 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती रहती है। दोस्तों, वीनस का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में उसे सिर्फ 225 दिन ही लगते हैं। और इसलिए अगर आप शुक्र पर सवेरे सवेरे पहुंच गए हो तो दोस्तों समझ लो, महीनों तक रात ही नहीं होने वाली। यह वीनस ऐसा वैसा प्लेनेट नहीं है, पूरे सूर्यमंडल में सबसे लंबा दिन इसी प्लेनेट का है। यानी देवियों और सज्जनों, शुक्र का एक पूरा दिन पृथ्वी के 8 महीने के बराबर होता है, और माना जाता है कि भूतकाल में किसी बड़े अवकाशी पिंड के टकरा जाने की वजह से शुक्र की अपनी धुरी भ्रमण की गति धीमी हो गई है। दोस्तों, शायद इसी वजह से शुक्र के साथ एक और चीज भी हुई हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस और यूरेनस को बात करो तो सभी प्लैनेट अपनी धुरी पर काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, पर फ्रेंड्स, यूरेनस और वीनस ये दो ही प्लैनेट सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जो सभी ग्रहों के मुकाबले उल्टा घूमते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे तो हम वीनस के एटमॉस्फेयर को सह नहीं सकते हैं। सन 1970 से 1982 के बीच द USSR यानी कि सोवियत संघ ने वीनस पर करीब 10 मानव रहित यान उतारे थे, जिनमें से 8 की सॉफ्ट लैंडिंग भी हुई थी, लेकिन सभी ने वीनस के वातावरण में दम तोड़ दिया, जिनमें से वेनेरा 13 ही एक ऐसा स्पेस प्रोब था जो सॉफ्ट लैंडिंग करके वीनस की सरफेस पर 127 मिनट तक एक्टिव रहा, और करीब 2 घंटे तक उसने शुक्र से पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिट किए थे।
जिससे हमें वहां के अंदरूनी वायुमंडल के बारे में पता चला और फिर इसने भी करीब 127 मिनट बाद दम तोड़ दिया। अब दोस्तों आप सोचो, शुक्र पर किसी इंसान को भेजना कितना खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी थैंक्स टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जिनके बदौलत हम शुक्र पर ना गए होते हुए भी शुक्र के अंदरूनी वायुमंडल के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब जो आप आगे देख रहे हो वो कोई एनिमेटेड नहीं, लेकिन वो रशियन प्रोब द्वारा ली गई वीनस की असली तस्वीरें हैं। दोस्तों शुक्र ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नाम महिला पर रखा गया है। इसका नाम प्यार, सुंदरता और अफेक्शन की एक रोमन गॉडेस पर रखा गया है। दोस्तों फ्यूचर के लिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि शुक्र पर कुछ और मानव रहित प्रोब भेजे जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर बहुत ही माइक्रो लेवल पे, यानी ये बैक्टीरिया वायरस जैसे सूक्ष्म रूप में जीवन मौजूद हो सकता है। तो अब इस पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारी नेक्स्ट जर्नी होगी द प्लेनेट मार्स। तो बने रहे द नॉलेज के साथ, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।